तो रामपुर के जो मौजूदा नवाब हैं काजी मलिक साहब, वो हमारे साथ में हैं नावेद जी, और बहुत पुराना इनका इतिहास है और इनकी पूरी, देखिए ये पूरी सल्तनत है, पूरी उस टाइम की रिहाइश कैसे होती थी, कहाँ रहते थे, और मौजूदा जो इनके वंशज हैं नवाब साहब, वो अभी हमारे साथ में, हम उनसे बात करेंगे और उनके बारे में पूछेंगे कि नवाब साहब की क्या मतलब, एक एक अलग ही एक रुतबा होता था उस टाइम के नवाब का। नवाब का मतलब ये होता था कि जो उनकी सल्तनत चलती थी उनके नाम के सिक्के चलते थे। तो नवाब साहब हमारे साथ में हैं, अब नवाब साहब से हम बात करेंगे इंशाल्लाह। तो नवाब साहब, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू, आपने वक्त दिया। तो मौजूदा नवाब साहब हमारे साथ में, सर पूरी सल्तनत आपकी, हाँ अब तो खैर, हाँ ये जो बिल्डिंग है खास बाग की जी, जी ये 1930 में कंप्लीट हुई थी जी, और शुरुआत जो हुई थी वो इस ब्लॉक की जो सामने दिख रहा है आपको जी, जी शुरू में सिर्फ ये बना था जी, ठीक है 1930 में, 1930 में नहीं, ये तो कंप्लीट पूरा हो गया था, बट उसके बाद जो जो पहली बिल्डिंग इमारत यहाँ खड़ी हुई वो ये वाला ब्लॉक था जी। तो इसका जो आप फसाद देखेंगे, आर्किटेक्चर का स्टाइल है वो बिल्कुल अलग है जी। उसके बाद वो हिस्सा बना 1930 हाँ, के बाद नहीं नहीं इसके बाद, अच्छा अच्छा जी, इसके बाद ये बना जी। तो 1930 में ये कंप्लीट हो गया था, इसमें शिफ्ट हो गए थे जी, फिर उसके बाद वो हिस्सा बना जी, जी उसके बाद वो हिस्सा बना। तो आप स्टाइल देखेंगे तीनों के अलग अलग है जी, हाँ दिख रहा है वहाँ कुछ ये, और ये स्टाइल अलग है, स्टाइल है, स्टाइल है वहाँ कुछ वो अलग है और वो तो बिल्कुल ही अलग है जी, जी। और फिर ये बना, इसके बाद फिर जनाना बना, वो जो सिंगल वो जो दीवार जा रही है वो जनाना है, और जितनी लंबाई इसकी है जी, जी। उतनी गहराई है, ये है, ये बिल्डिंग बनी है 55 एकड़ के ऊपर जी, और 200 से ऊपर कमरे, 200 कमरे हाँ, इंडोर स्विमिंग पूल जी, मूवी थिएटर जी, और पूरे ब्रिटिश इंडिया में पहली सेंट्रली एयर कंडीशन बिल्डिंग उस जमाने की, उस जमाने की जी। तो बड़े बड़े डक्स आते थे, कूलर लगे हुए होते थे जी, जी। सर्कुलेशन के जी, जी। और इसमें एलिवेटर्स भी हैं जी, लिफ्ट भी लगे हैं अच्छा। उस वाले ब्लॉक में जी, वो जो पॉज दिख रहा है ना उसके पीछे वो एलिवेटर, ये हमारे दादा दादी का हिस्सा था। अच्छा, शुरुआत नवाब साहब आपके दादा ने की थी, परदादा ने की थी, उनकी शुरुआत कहाँ? तो ऐसा है कि हम लोग हैं, हमारा जो ददियाल है पूरा वो यूसुफजई पठान है जी, जी जो अफगानिस्तान से आए जी, और 1704 में जी वो आए, और उस टाइम तो खैर मुगलों का राज था यहाँ जी, जी। और जब उन्होंने एंट्री की मुगल इंडिया में जी, तो वहाँ बॉर्डर था अफगानिस्तान और हिंदुस्तान का जी, जी जो पेशावर से, मौजूदा पेशावर से 5-6 किलोमीटर आगे जी, और अब जो पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर है तोरखम जी, उससे 30 किलोमीटर पीछे वहाँ उन्होंने, उस जमाने में वो बॉर्डर होता जी, तो वहाँ उन्होंने गेट की तामीर करी जिसका नाम था बाबे खैबर, बाबे खैबर जो आज भी मौजूद है, और इसी साल मार्च में मैं वहाँ गया था। अच्छा, वो वंसंज, वंसंज हाँ, अब तो खैर पाकिस्तान का हिस्सा जी, है जी, जी। लेकिन हमारे जो बुजुर्ग थे उनकी एंट्री इंडिया में 1704 वहाँ से हुई जी, और ये लोग सब तिजारत करते थे जी, तो इनका रूट थ्रू फ्रंटियर स्वात होता हुआ, अल्मोड़ा होता हुआ बरेली की तरफ जी, ये इनका रूट था जी, जी। तो जो हम जो सरदार थे हमारे कबीले के जी, हमें कट्टा खेल, अच्छा कट्टा खेल, और भी कबीले थे बुस्तान खेल जी, इस तरीके से तो हम तो उसमें उनके दो बेटे थे जी, दाऊद खां और कैसर खां जी, दाऊद खां बड़े थे जो तिजारत करते करते इंडिया हिंदुस्तान पहुंचे, और कैसर खां छोटे बेटे वो स्वात में ही रुक गए। अच्छा, तो उनकी नस्लें सब वहाँ हैं जी, मिंगोरा में, स्वाबी में, शांगला, दीर, मर्दान, मनसेरा, पेशावर, इन सब जगहों में वो लोग रहते हैं जी। हमारे जो थे वो यहाँ आए, पहली लड़ाई जो पेशवास के साथ हुई पठानों की, वो फतेहगंज में हुई जी, जो रामपुर बरेली के बीच में, जहाँ पठानों की जीत हुई और पेशवास को बिल्कुल साउथ तक उनको नीचे उन्होंने रिट्रीट किया ग्वालियर के पास। उसके बदले में मुगलों ने मौजूदा 8 जिले जो हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जी, वो दाऊद खां को दिए,
जिसका पहला कैपिटल था आंवला। आंवला तो जो दाऊद खान थे वो वहाँ रहे, और उनके जो बेटे थे जो पहले रोहिला सरदार हिंदुस्तान में थे जी, वो थे अली मोहम्मद खान जी। अली मोहम्मद खान के 8 बेटे थे, उन्होंने दूसरे बेटे फैजुल्ला खान को रामपुर दिया। अच्छा, हम उनकी नस्ल हैं। तो वो पहले नवाब थे रामपुर के, नवाब फैजुल्ला खान। नवाब फैजुल्ला खान साहब जी। तो अगर रिश्ते की हम बात करें तो सर वो रिश्ते में मतलब पड़दादा थे, अरे वो थे, तो क्या लगते थे 1774। अच्छा 17, वो तो आपको याद नहीं होगा कि वो ये कि शुरुआत वहां से हुई थी। अच्छा, कुछ लोग समझते हैं कि नवाब क्या होते हैं। नवाब नहीं, नवाब के बारे नवाब के नवाब तो एक टाइटल है जी, टाइटल है। जैसे जो हिंदू बादशाह थे उनको महाराजा कहते थे, राइट, मुसलमानों को नवाब, और जो जमींदार थे जी, ताल्लुकदार जिन्हें कहते हैं जमींदार, उन्हें राजा कहते थे, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो कोई भी, वो राजा थे। सिर्फ एक ही बादशाह थे हिंदुस्तान में, हैदराबाद के, जिनका खिताब निजाम मिला। हाँ, निजाम, बिल्कुल निजाम जी, जो मशहूर, हाँ, कोई हर कोई जानता है जी, जी। मीन हम सब लोग ये सब बादशाह थे और निजाम शहनशाह थे। अच्छा अच्छा, ये फर्क था। अच्छा, निजाम एक तरीके से जैसे नवाब बादशाह या महाराजा जो है वो है बादशाह जी जी, और निजाम थे शहनशाह। शहनशाह। अच्छा, उस वक्त में आपके मतलब सिक्के कैसे चलते थे आपके? वो तो करेंसी कैसी होती थी? सिक्के होते थे जी। उसमें अच्छा, उस जमाने में जब नवाब फैजुल्ला खान है जी, जी, तो फारसी यहाँ बोली जाती थी जी। जो मीडियम था कम्युनिकेशन का वो फारसी पर्शियन ही था जी, तो उसमें भी हर चीज फारसी में होती थी। उनका एक चेहरा भी बना होता था सिक्के के ऊपर, जो स्टैम्प पेपर होता था उसमें भी उनके चेहरे होते थे। जो भी उस वक्त के नवाब थे उनके वो चलते थे। तो नवाब फैजुल्ला खान का जब इंतकाल हुआ तो वो यहीं दफनाए गए। अच्छा, जो डिग्री कॉलेज है उसके पास में जी, जी, खुसरोबाग पे जी। उनके जो बेटे थे नवाब मोहम्मद अली खान, वो मदरसे कोने पे हैं। अच्छा, जिनके कब्र को भी मैंने सही किया जी, जो जिस कब्रिस्तान को आजम खोद कर उसकी मिट्टी चुरा के अपनी यूनिवर्सिटी लेके गया। अच्छा, वो उस कब्रिस्तान को मैंने रिपेयर किया, उसकी दीवारें दोबारा बनाई, गेट लगवाए, अब उसमें मैयत दफन होना शुरू हो गई है। तो आजम ने मना कर दिया था कि यहाँ कोई मुर्दों को नहीं दफनाएगा, कब्रिस्तान पे बैन, कब्रिस्तान पे बैन। तो खैर वो, और हमारे दूसरे जो नवाब थे मोहम्मद अली खान, 4 JCB खराब हो गई लेकिन उस कब्र नहीं टूटी, इतनी मजबूत बनी थी। तो उसको मैंने सही कराया, वो आप जाके देखे वहाँ उनको वो तकिया वकिया लगा हुआ है सब। उनके बेटे थे उनके जो भाई थे गुलाम मोहम्मद खान जी, वो दफन है कांगड़े में। अच्छा, यहाँ क्योंकि अंग्रेजों ने उनको निकाल दिया था जी जी, तो एग्जाइल में उनका इंतकाल हुआ जी जी। तो वहाँ कांगड़े के जो राजा थे उनसे उनकी दोस्ती थी, तो उन्होंने पनाह दी थी और वहीं वो दफन है। वो मैं वहाँ भी मैं गया हूँ। अच्छा, और अब जो उस फैमिली के जो अब जो राजा हैं वो मेरे दोस्त ही हैं, ऐश्वर्या सिंह कटोच। नवाब साहब, ये जो अभी आपकी पूरी मुझे दिख रही है ये पूरी मिल्कियत, अभी किसके अंडर में है? ये तो पूरी फैमिली के पास है जी, हमारे पूरे खानदान के पास। इस पे मुकदमे चल रहे थे लगभग 52 साल से। अच्छा, तो अब वो 2018 में सब हो गया, तो शरीयत के हिसाब से हर मुसलमान के ऊपर शरीयत कानून लागू होता है जी जी, जिसके हिस्से में जो आएगा। हाँ, नहीं वही होता है, 10% बीवी को जाता है, फिर सिंगल हिस्सा बहनों को, डबल बेटों जी जी जी, वो बेटी को और डबल बेटे को। मतलब गवर्नमेंट के अंडर टेक, गवर्नमेंट के अंडर नहीं, गवर्नमेंट से वो नहीं है कि पुरानी बिल्डिंग है तो गवर्नमेंट ने अपने अंदर ले। कोशिश तो वो कर रहे करती पहले सरकारों ने करी जी जी, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। सर बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच।